पदभार ग्रहण करने के बाद कहा, ग्रामीण विकास प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है और उसके लिए एक नहीं अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जैसी योजना ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी है। प्रधानमंत्री ने जो 100 दिन का टास्क दिया है उसे पूरा करना है। अभी कैबिनेट ने कल एक सैद्धांतिक फैसला किया कि गरीबों के 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे, अधिकांश ग्रामीण घर होंगे। तो हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब तक 10 सालों में ग्रामीण विकास के लिए क्रांतिकारी काम हुआ है, जिनमें से कई काम ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है। मैंने रोड्स की बात बताई, मनरेगा रोजगार देने का एक बहुत बड़ा साधन है, जिसमें अब असेट्स क्रिएट करने पर सरकार ने पिछले 10 वर्षों में भी जोर दिया है और कई असेट्स क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और सपना है प्रधानमंत्री जी का, जिसको हमें पूरा करना है, और वो सपना है लखपति दीदी बनाने का सपना, महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार का मिशन है। इधर भिंड कांग्रेस जिलाध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा ने कलेक्टर पर बीजेपी की कठपुतली बनकर काम करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि किरतपुरा पंचायत में टिकासरा भवन में व्यवसायिक दुकान लगाने के बाद कलेक्टर ने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को नोटिस थमाया था, स्पष्टीकरण मांगा था। कांग्रेस का यह आरोप है कि कलेक्टर बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। कांग्रेस कलेक्टर के खिलाफ जन आंदोलन की तैयारी कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भिंड कलेक्टर के भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने मुख्य सचिव से शिकायत की थी। भिंड की रेत और पत्थर लूटने में लगे हुए हैं, अपराधी लगातार दिन दहाड़े बलात्कार कर रहे हैं, बच्चियों को इज्जत लूट रहे हैं। मालूम पड़े 3 दिन पूर्व मेहना तहसीलदार द्वारा मछंड सोसाइटी पे जो 250 बोरियां जब्त करने का काम किया गया था, उन्हें किसी भाजपा नेता के दबाव में कलेक्टर ने भिंड ने छुड़वाने का काम किया, जिसकी शिकायत जब डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने भोपाल में की तो उसकी जाँच जब कलेक्टर भिंड के विरुद्ध जब जांच शुरू हुई तो निश्चित तौर पर उससे घबरा कर आनन फानन में उन्होंने ऐसे मानसिक रूप से दवा बनाने के लिए ऐसे नोटिस आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी को जारी किया, जिसकी जबकि पूर्व में जिसकी पंचायत से अनुमति ली जा चुकी थी। और पूरी माफी के साथ, डॉक्टर गोविंद सिंह जो है वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, मैंने गलत आपको कहा, वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। धार की भोजशाला की भी बात करेंगे, यहाँ का सर्वे लगातार जारी है। सर्वे के 82वें दिन मंगलवार के चलते हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सर्वे के दौरान अब तक कई प्रकार के अवशेष निकलकर सामने आए हैं, इन्हें ASI की टीम ने संरक्षित किया है, उनकी जांच की जा रही है। आज भोजशाला के मुख्य द्वार के बाहर साइड में बने चबूतरे को भी डिसमेंटल किया गया। सर्वे के दौरान 1-3 फीट का पत्थर का अवशेष मिला है। का 82वां दिन था, प्रातः 8 बजे सर्वे प्रारंभ हुआ। आज जितने भी पुराने अवशेष बाहर के रखे थे उन्हें उत्तर दिशा में शिफ्ट किया गया। जो दक्षिण उत्तर दिशा में जो रखे हुए थे उनमें दक्षिण की भाग की तरफ शिफ्ट किया गया, उनको डिस्प्ले की तरह रखा गया है। साथ ही गर्भगृह में भी काम चला दिन भरा। वो जो कल जो गेट के ऊपर जो बाई तरफ का जो प्लेटफॉर्म बना हुआ था उसको पूरा डिसमेंटल किया है और दक्षिण तरफ वाले भाग को आज काम चालू किया है। और अब